आप लोगों के प्रेम की गहराई देखकर जी भरा। इस कलयुग में आपको पहचानना बहुत कठिन है, क्योंकि हम अपनी माँ को ही नहीं पहचानते तो फिर हमें पहचानना तो और कठिन हो जाता है। लेकिन इस वंगभूमि की गहराई आप लोगों में काम कर रही, इसलिए मैं देखती हूँ जो भी यहाँ से सहयोगी आता है वो बड़ा गहरा बैठता, बड़ी गहराई में उतरता और बड़ा आश्चर्य होता है कि जहाँ मैंने बहुत कुछ दिन बिताए, बहुत कार्य किया, वहाँ लोग तो बहुत हैं लेकिन इतनी गहराई नहीं और आपस का मेल भी इतना सुंदर नहीं है जैसे यहाँ पर है। ये भी एक रंगभूमि की मैं कहती हूँ बड़ी विशेषता है कि आपसी मेल और आपसी प्यार बिल्कुल निर्वाच निस्वार्थ इस तरह से देखा जाता है। ये सब देख करके आपको पता नहीं मुझे इतना आनंद है। और अब चाहती हूँ कि आप लोगों का कार्य और बढ़े और जन जन में ले जाए, क्योंकि ये भूमि आप जानते हैं कि माँ को बहुत प्यारी है। आज आपने कहा था कि सरस्वती का पूजन होगा, ये बहुत नितांत आवश्यक है कि वंग देश में सरस्वती का पूजन, क्योंकि यहाँ देवी की कृपा रही और देवी के प्यार की वजह से आज सस्य श्यामलाम भूमि आप देख रहे हैं कि इतनी हरी भरी है। लेकिन यहाँ की जो दरिद्रता है, यहाँ पर जो परेशानियां हैं, उसकी वजह यह है कि सरस्वती की वंदना जो भी की गई वो बहुत ही सीमित तत्व तक है, महा सरस्वती में नहीं होती। सिर्फ सरस्वती की वंदना हुई कि जिसमें हम कला को बढ़ाए या हम बहुत विद्वान बने, यहाँ से एक से विद्वान लोग हुए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं, बहुत कुछ लोगों ने अपने शैक्षणिक स्तर में बहुत प्रगति, और देशों से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान प्रगल्भ हैं, ये सब होते हुए भी यहाँ गरीबी क्यों है? उसका हमें उसका एक सूत्र निकालना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पर गरीब भी क्यों है और किस वजह से हमारे अंदर ये एक तरह से घृणा बन गई है कि जिसके पास थोड़ा सा पैसा आया उसके प्रति घृणा करने से या झंडे दिखाने से गरीबी कभी जा रही। उसके लिए समझना चाहिए कि क्या सूत्र हमारे अंदर नहीं है जो हमें पाना चाहिए। सरस्वती आप जानते हैं कि सहयोग के हिसाब से महा सरस्वती का कार्य राइट है, तो जब वो स्वाधिष्ठान चक्र पे कार्य करती है और जब ये स्वाधिष्ठान चक्र जब साइड में जाता है तब ये कलाएं आदि सब का प्रादुर्भाव होता है। संगीत के बारे में क्या कहना, और कोई सा भी कला का क्षेत्र है जो कि अभी तक बंगाल में नहीं आया, ऐसी बात हर इसमें यहाँ तक कि फिल्मों में तक, नाटकों में, हर तरह के कला में, नाट्य कला में, संगीत कला में और शिल्प कला में, हर कला में बांग्लादेश मशहूर है और इनसे बढ़ के कहीं कलाकार है नहीं। छोटी सी भी चीज बता दीजिए फौरन उसे कर ले। यहाँ के जो स्वर्णकार हैं वो भी बड़े मशहूर लोग हैं। इसका कारण है कि उस सूक्ष्मता तक पहुंचे हुए हैं जिसे कला है। वो सूक्ष्म कला क्या होती है कि जो सब दुनिया में मानी जाती है कि ये कला है, वो एक तरह से ऐसी बनती है कि जिससे बहुत ही ज्यादा दिव्य ऐसा प्रकाश है। अब ये दिव्य प्रकाश दृष्टि में दिखाई नहीं देता, किंतु ये चैतन्य स्वरूप है।
कोई सी भी चीज जो बहुत ही सुंदर बनती है और जिसको दुनिया में लोग बहुत ही ज्यादा मानते हैं कि ये बहुत सौंदर्य पूर्ण है, एस्थेटिकली बहुत रिच है, वो देखते हैं कि उस जगह आप हाथ उसके ओर करके देखे तो उसमें से चैतन्य, उसमें से चैतन्य। अगर कोई रियलाइज सोल हो तो वो अगर कोई भी मूर्ति बनाए या कोई भी कला का कार्य करता है तो उसमें से आप देखते हैं कि चैतन्य। तो वजह ये है कि जो लोग यहाँ रहते हैं ये बड़े भक्तिमय अंदर से गहरे लोग हैं और यहाँ पर जो भी कला हो, कोई सी भी कला नहीं यहाँ की, वो ऐसा नहीं कि विश्व के दुनिया के कोई लोग उसे समझ नहीं या उसको पसंद नहीं कर सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ऐसी कोई बंगाल की कला, चाहे यहाँ किसी को चित्रकला हो, यहाँ तक कि सिनेमा तक, नाट्य तक, बंगाल का सब एकदम लोग कहते हैं कि परफेक्शनिस्ट है, बिल्कुल पूर्णता पहुंचे हो। जब इतनी हमारे अंदर एक तरफ प्रगति हो गई तो दूसरे तरफ का स्वादिष्ठान हम नहीं चला, और वो भी स्वादिष्ठान जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हम सोचते हैं कि जैसे कि पढ़ना लिखना ये सब चीजों में हमने खत्म कर, पर इससे आगे की कोई स्थिति है इस ओर हमारा ध्यान नहीं, और इसी वजह से आज ये असंतुलन है। देखने में इतना समृद्ध देश है, इतनी कलाकारी है, सब कुछ है, और तो भी यहाँ परेशानी है, और लोग कहते हैं कि सरस्वती का और लक्ष्मी का मेल होता है, ये बात थी कि सरस्वती और लक्ष्मी की स्थिति में नहीं होता था, और महासरस्वती में इसका मेल हो। महासरस्वती में मेल होने का मतलब ये है कि उस जगह आप जहाँ जो सब चीज कर रहे हैं उसकी उसके गहराई में उतर के आप सोचते हैं कि आखिर क्या बात है कि हम इसका लक्ष्मी से मेल नहीं, महालक्ष्मी का मेल होगी, सजो में आज्ञा चक्र में दोनों का मेल हो जाता है और डिसाइड। इसकी अगर आप कार्य शक्ति देखें तो जबरदस्त है, किंतु उसका परिणाम वो नहीं होता जो हम लोग चाहते। इस पर अगर आप आज्ञा चक्र में आए तो फिर आप विचार करने लगते हैं कि क्यों हमें आज तक वो स्थिति प्राप्त नहीं हुई जो कि इतनी कलाकारों को मिली है या इतने संपन्न सुबुद्ध लोगों को मिली, और क्यों हम लोग गरीबी में रहते। इसमें सोचने की बात यह है कि जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते जहां हम सम्यक दृष्टि से दोनों चीजों को देखें तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। कला जो है उसका लक्ष्मी से मेल करने के लिए हमें सम्यक दृष्टि, तो एक जो हमारे अंदर बड़ी कमजोरी है, कमजोरियों के लिए कहा जाता है कि जिद्द और जिद्दी लोग, कोई चीज कला को उन्होंने पसंद कर दिया तो वही इंटरव्य की चीज कर हाथी बनाने लगे तो हाथी बनाते गए, घोड़ा बनाने लगे तो घोड़ा ही बनाने, एक तरह का संगीत गाएंगे तो वैसा ही गाएंगे, मतलब कलाकार। अब उनको अगर आप कहिए भी कि आप इसको बदल दीजिए तो मानते हैं, एकदम गुस्सा आ जाएगा उसको, सोचते हैं उनकी कला का आदर ही नहीं है। तो अगर आज्ञा चक्र पे आदमी विचार करे तो जिद जो है वह आज्ञा चक्र को पास, हम बंगाली हमारे यहाँ रवीन बाबू हो गए, हमारे वो हो गए, हमारे यहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट हो गए, सबके नाम से हम अपने को सोचते हैं कि हम भी वही हो, तो वो बात नहीं, समझ लेना कि हम वो नहीं हैं। अगर उनकी ओर नजर करिए तो उनमें जिद बिल्कुल नहीं, और ये जो जिद हम लेकर के बैठे हुए हैं कि हम ही बड़े महान है क्योंकि हमारे गांव देश में एक से एक लोग हैं, तो आप उनके स्तर पे पहुंच नहीं सकते। हाँ, उनकी जो कुछ भी महिमा है उस छत्र छाया में पड़ सकते, लेकिन उससे अगर ऊपर उठना है तो इस जिद को छोड़ देना चाहिए कि हम तो ऐसे हम यही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करने वाले, और कोई हम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं।
सो वो हो नहीं सकता। अब कॉम्प्रोमाइज पे बात आई तो मैं ये नहीं कहती कला का विनाश करना, उसी तरह से भी कला का विनाश करना है, लेकिन कला के बारे में एक सम्यक स्वरूप से विचार करना है। मैं इसलिए प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ कि एक तो जो हमारे अंदर आलस्य है, उस आलस्य से भी जिद, जब आदमी आलसी होने लगता है तो वो बड़ा जिद्दी होता है, फिर वो ये नहीं सोचता कि मैं आलस्य की वजह से ही जिद कर रहा हूँ, क्योंकि कोई नई चीज करने में मुझे श्रम उठाने पड़ेंगे। अब जहाँ मेरा हाथ चलता है वो तो आसानी से मैं बैठे बैठे कर दूँ, और माता जी कह रहे कि थोड़ा बेटी इसे जरा बदल डालो तो ठीक हो जाएगा, तो ये तो मैं नहीं कर सकता। इसमें एक तो जिद है और जिद के पीछे में आलस्य। कोई सी भी नई चीज सीखने के प्रति जरा सी वृत्ति हमारी धीमी, और ये धीमी वृत्ति की वजह से हम लोग उस नई चीज को नहीं सीख सकते जिससे कि लक्ष्मी का जरूर हमें इलाज हो सके। जैसे हमने मैं पहले थी किसी इसमें ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां मैंने बताया कि अच्छा बंगालियों से कहो कि तुम ये जो पर्सन बनाते हो इसके इतना ज्यादा मत बनाओ, उसकी बस एक लाइन में अच्छे से बना दो, वही चीज बहुत लोग पसंद। ये नहीं हो, हम तो बीच में बनाएंगे उसको, तो हम बनाएंगे जैसा वो जैसा आप कहेंगे वैसा नहीं कर सकते, हम इसमें वो चीज कर ही नहीं सकते। तो कोई सजेशन आप नहीं दे सकते, जो वो करेंगे उसी को रखेंगे, उसके 2500 चीजें बना के रख दीजिए आप, वो कोई बिकेगा नहीं, तो कहेंगे क्यों हमारे पास स्टॉक है, नहीं बिका तो नहीं बिका, हमारे पास स्टॉक है, अब उसी कमर में बैठे उस पर सूझबूझ हो जाए। अब सहयोग में क्या है कि मनुष्य की बुद्धि ही खुल जाती, उसकी बुद्धि खुल जाती, उसका आज्ञा खुल जाती, उसकी जिद तो पहले कम हो जाएगी कि मैं इसकी जिद करूंगा कि यही ठीक है और इसके अलावा कोई चीज ठीक ही नहीं, जो हम करते वही ठीक। उस जिद के खुलने से बड़े लाभ हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा बहुत लोगों में अनेक तरह की जिद होती है, और उस जिद में वो इस तरह से मारा जाता है कि उसके सारे ही जीवन पर ही उसका परिणाम है कि हम ऐसे हैं और हम ऐसे ही रहे, नहीं हमें परिवर्तन करना, और वो परिवर्तन आप सहज से बिल्कुल बहुत ही सहजता पूर्वक प्राप्त कर सकते। जब सहजता पूर्वक आपने उसे प्राप्त किया तब आपको आश्चर्य की सहजता पूर्वक ही लक्ष्मी का मेल भी आ जाता है। मैं तो ये आर्टिस्ट लोगों में खास चीज देखती कि इतने वृद्धि होते हैं उनसे जब कह दीजिए कि भाई जरा सा ऐसे जरा बदल दो, नहीं हम तो यही करें, ये ही हमें सूट करता, इसी को हमें फिर चाहे सुनने वाले उठ के चले जाए कोई हर्जा नहीं, और हम तो यही गाएंगे और हम ऐसी कहेंगे या ऐसी बनाएंगे। तो आज्ञा चक्र की ठीक करने के लिए पहले जो हमारे अंदर ये विचित्र तरह का अहंकार आ गया है कि हम जो करते आए हैं और जो हमने किया है वही ठीक है और जिस तरह से हम करते हैं वही ठीक है, ये ढर्रा जो हमने बना लिया, ये इस ढर्रे को बदलना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी बातें आती है, जैसे कि हमने जब इसमें हम किसी धर्म समझ लीजिए हम ब्रह्मो समाजी हैं या हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं क्रिश्चियन हैं फराना ठिकाना सब है, आप कुछ है ही नहीं, आप तो इंसान ही है, आप पैदा ही इंसान हो, ये तो आपने ऊपर अपने ऊपर एक ब्रांड लगा लिया कि मैं फलाना हूँ मैं फलाना हूँ, आप बंगाली भी नहीं है मराठी भी नहीं है, आप सब कुछ जो है वो सब सिर्फ इंसान। ये ब्रांड लगाने से और भी प्रॉब्लम कि मैं बंगाली हूँ तो मैं मराठी हूँ, मैं फलाना हूँ तो ठिकाना हूँ, मैं ईसाई हूँ मैं मुसलमान हूँ मैं जैन हूँ, ये सब ब्रांड लग गए और वो ब्रांड इतने महत्वपूर्ण हो गए कि उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता, वही महत्वपूर्ण चीज हो गई, उससे आगे पीछे में कोई चीज और है ही नहीं, ये और एक आज्ञा की पकड़, और ये पकड़ छूटना बड़ी मुश्किल है। जब तक ये पकड़ नहीं छूटेगी आपका अंधापन नहीं जा सकता, क्योंकि आप उसी एक माहौल में देखते हैं हरेक चीज को कि ऐसी हो तो ठीक है। ये बात आप लोगों में इस देश में समझते, परदेश में भी बहुत, परदेश में तो इससे अधिक है, क्योंकि वहां तो जो कुछ भी उनके दिमाग में भर दीजिए कि ये चीज अच्छी है बस हो, वहां तो ऐसे बैठे हुए लोग हैं चिकित्सक क्रिटिक्स कि वो कह देंगे ये कला ये ठीक है बस हो भी गई, वो कह ये ठीक नहीं वो नहीं भी गई।
वो एक है उसकी मान्यता हो गई, दूसरी कचरा है, फिर उससे क्रिटिक्स आगे होगा नहीं, ये बेकार है वो अच्छी, तो उसको ले। मैंने अपने दिमाग से अपने अपने स्व से कोई सी भी चीज तय नहीं होती है, जो कुछ भी दूसरों ने आपके दिमाग में भर दी वही चीज है। और यही बात है कि हमारे दिमाग में भर दिया कि हम जो है इस ब्रांड के हैं, उस ब्रांड के हैं, बचपन से ब्रांड लगाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अंत में एक गली के आप हो गए, एक फैमिली के हो गए, एक माँ बाप के बच्चे हो गए, वो भी नहीं रह जाते। इस तरह से मनुष्य अपने पे ब्रांड लगाते हैं, उस ब्रांड से उसमें सबसे बड़े जो दोष होता है कि वो सोचता है कि मैं बड़ा भारी व्यक्ति अलग से एक गोष्ठी में बैठा हुआ, एक अलग व्यक्तिगत, एक इंडिविजुअल हूँ मैं, चाहे मुझे जो ब्रांड लगा उससे मुझे एक इंडिविजुअल बना। और यही जो है ये सत्य का जो तत्व है कि हम सब एक है, होल है, टोटालिटी है, संपूर्ण सारे कुछ हम एक हैं, इसके विरोध में पड़े। और जब ये तत्व उसके विरोध में पड़ जाता है कि मैं फलाने मैं दिखाने, ये देखिए इससे आप अलग अलग तो हो रहे हैं। जैसे आपने कह दिया कि मैं हिंदू तो मुसलमान हो गए दो बार, फिर मुसलमान में भी चार बार, फिर मुसलमान के चार बार में भी दस बार, ऐसे करते करते आप हो गए अलग, छूटते गए उस एक संपूर्णता से जो कि जीवन का लक्ष्य है जिसे प्राप्त। सो पहली चीज यह है कि सारे तरह के वैचित्र जिसे वैरायटी कहती है, ये तो जरूरी भगवान ने बनी, एक पत्ता दूसरे से नहीं मिलता, पर सब एक ही पेड़ पर गह है, सब एक ही विराट के अंग प्रत्यंग है, और कर सब हम एक ही व्यक्ति के ही सारे, उस समष्टि में ही हमारे जब व्यष्टि जुटी हुई है, तो अपने को अलग करने से हम अपनी मृत्यु ही कर लेते। और इस तरह से सरस्वती का जो तत्व महासरस्वती में बदलना चाहिए वो नहीं। महासरस्वती में आदमी के जो विचार है, उसके जो दृष्टिकोण है वो बदलते हैं, रोजमर्रा के जीवन में भी वो बदलता है, कि वो फिर देखने लगता है कि हम अब हो सब, अब हम सब एक, तब फिर वो जो कुछ भी बनाता है, जो कुछ भी करता है, वो ऐसा कुछ सुंदर बनाता है या ऐसा कुछ कार्य सुंदर करता है जो हृदय से ही इंसान उसको मान लेता है, हृदय से ही इसे वो कहता है कि ये बड़ी सुंदर। लेकिन तो भी ये जान लेना चाहिए कि हमारे जो कुछ भी सरस्वती के कार्य हैं, कि इसे हम सोचते हैं कि हम सरस्वती की पूजा करें, वो समर्पित होने चाहिए। अगर वो सरस्वती के कार्य परमात्मा के लिए समर्पित हो तो वो अमर हो। अब आप देख लीजिए कि जो काव्य संसार में अमर हो गए वो सारे भगवान का लिखे होता है, जो कविताएं हैं, जो गाने हैं, अब ये देखिए आजकल नए गाने चल पड़े सिनेमा में, नए नए गाने आते हैं, आते ही खत्म हो जाते हैं। हम लोग तो वही गानों को सुनते हैं, वही चीजें दोहराते हैं जो कबीर ने लिखे थे, ज्ञानेश्वर ने लिखे थे, और विलायत में भी मैं देखती हूँ कि जो विलियम ब्लेक ने लिखा था उसे ही लोग मानते हैं, शेक्सपियर ने जो लिखा था उसे ही लोग मानते हैं। ये सब आत्म साक्षात्कार मुद्रा, आत्म साक्षात्कार, तो उनके जो आत्म साक्षात्कार से प्राप्त की महासरस्वती की शक्ति थी, उस शक्ति से उन्होंने जो भी लिखा उसका प्रकाश और तरह का, उसमें कोई भी तरह की ऐसी बात नहीं थी जहाँ आप कह सकते थे कि इनके कुछ ऐसे कुसंस्कार उसको दिखाई दे, ऐसे संस्कार थे कि जो विश्व को एक कर। तो जब आप सहयोग में उतरते हैं तो महासरस्वती के तत्व में उतरना, सरस्वती के तत्व से नहीं करना, क्योंकि सरस्वती का तत्व जो सीमित कर देता है आपको, जो आपकी कल्पना ऐसी है, पर सरस्वती का तत्व अगर बीज रूप है तो उसका जो वृक्ष है वो महासरस्वती। जब तक इस बीज को आप महासरस्वती नहीं बनाएंगे तब तक आपका मिलन हो ही नहीं सकता महालक्ष्मी से।
और महालक्ष्मी का जो प्रदान है आपके अंदर वो ये है कि आप आत्म साक्षात्कार होता है। और तीसरी चीज जिसे कि आपने काफी प्राप्त किया हुआ है जिसे हम कह सकते हैं महाकाली का होता, इन तीनों का मिलान आपके आज्ञा को और इस आज्ञा को आपको लाना चाहिए। हर तरह का सूक्ष्म में एक तरह का ईगो जगाना, अपने और दृष्टि करें कि आखिर मैं इस चीज को क्यों मानता हूँ, मेरे बाप दादा ने भी इसको माना, उनके बाप दादा ने माना और मैं इसी एक सीमित चीज में बैठा हुआ हूँ और सारे संसार को मैं कैसे पता। मैं तो अभी मेरी सबसे कहती थी कि देखिए